हापुड़ में शहीद की मां के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामला शांतिनगर मोहल्ले का है, जहां एक शातिर ठग सीआरपीएफ की वर्दी में शहीद चोबित शर्मा के घर पहुंचा और शहीद की मां को सीआरपीएफ द्वारा 29 लाख रुपए की मदद दिलाने का आश्वासन देकर बैंक ले लिया, जहां शातिर ठग ने शहीद की मां को झांसा देकर 7 लाख रुपए उनके खाते से निकलवा लिए और पैसे लेकर चंपत हो गया। जब तक शहीद की मां उनके साथ हुई ठगी को समझ पाती, तब तक ठग फरार हो चुका था। क्या हुआ था जब सीआरपी का जवान, क्या मामला है ठगी का? सीआरपी का जवान आकर यहाँ बैठा, मुझसे कहने लगा कि आप सोबित की माता जी हो? जी हाँ जी। बोला जी मैं कि भैया आप कहाँ से आए? कि मैं दिल्ली से आया हूँ जी, सीआरपी की कंपनी से जी, और आपका आपके लिए कुछ चेक भेजा है जी, उन्होंने पैसे भिजवाए जी। बस फिर मैंने अपना भैया बुला लिया ऊपर से जी, मैंने भैया तू बात कर ले इसमें से, फिर मेरे भाई ने बात करी इन्होंने जी, बस बोला कि अम्मा जो तुम्हारा पैसा आया है उसका क्या करना तुम्हें? मेरी भैया मेरे बच्चे हैंगे, जितने मैं हूँ इतने मेरे बच्चे हैंगे। बोला नहीं ये गलत बात कहती हो, कि ये जो बात है ये जो सोबित का लड़का है कृष्णा उसके नाम होना चाहिए, मतलब उसका सारा कहना है कि सब खिलाफ मतलब उनकी ओर उसके उससे बोले जी, बोला सोबित के परिवार। तो कितने रुपए के ठगी करी है आपके साथ? 7 लाख रुपए आपके वो कैश कराए थे या अकाउंट में डलवाए थे? नहीं मैं कैश निकलवाएंगे निकलवाए जिस समय आप बैंक पहुंचे थे, उन्हें जो गड्डी आई है उन्हें मेरे हाथ से मतलब पकड़ी है, उन्हें थैले में रखी है, मैं देखी रही हूँ और वो लेटा था। वही मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और ठगी का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सर एक शहीद की माँ से जो है शोभी शर्मा है शहीद, उनकी माँ से 7 लाख रुपए की ठगी का मामला है, क्या मामला है और उसमें क्या कार्रवाई की गई? सर ये कल हमारे यहाँ शहीद हैं शोभित शर्मा, उनकी माताजी ने सूचना दिया कि मेरे साथ एक व्यक्ति आर्मी ग्रेड में मेरे घर आया और मुझे बैंक ले जाकर 7 लाख रुपए की ठगी मेरे साथ कर लिया। उनकी तहरीर पर मुकदमा थाना कोतवाली नगर में दर्ज कर लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी हैं वो जल्दी जेल भेजे जाएंगे। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपी ठग की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। देखने वाली बात ये होगी कि हापुड़ पुलिस शहीद के मां के साथ हुई ठगी की रकम वापस दिलवा पाएगी या शहीद की मां को अपनी रकम से हाथ धोना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।